सिद्धार्थनगर जिले में आज प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे जय प्रताप सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ अभय प्रताप सिंह रहे। नामांकन के बाद जब जय प्रताप सिंह ने मीडिया में दावा किया कि विधानसभा की सर्वागीण विकास किया जाएगा, वहीं राजा के महल से 1 किलोमीटर दूर जनिया जोत में सड़क नहीं होने के कारण लोगों के वोट बहिष्कार के सवाल पर कहा कि रोड तो कई बार बनता है और कई बार सामान्य मरम्मत में भी आ गया है और वो लगभग 3 साल और 4 साल पूरा रोड बनाता है और फिर दोबारा खराब हो जाता है। ऐसे हमारे सभी रोड्स हैं जो बनते हैं फिर खराब हो जाते हैं, उनकी मरम्मत की एक समय सीमा होती है, उसी हिसाब से उसका पुनः निर्माण होता है, तो वह समय के साथ बन जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी बन जाएंगी और सभी को बनाया जाएगा। नाम है और ये चोरी की घटना हुई कैसे, क्या हुआ? मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा है। हमारे छोटे भाई यहाँ कपड़े की दुकान करते हैं, हमारे पिताजी दवा की दुकान करते हैं, हमारे छोटे भाई यहाँ रात निवास करते हैं। कल व्यक्तिगत कारणों से शादी फंक्शन में जाने कारण रात में नहीं आ पाए और चैनल का ताला तोड़ करके, जो कि बाहर 3 लगा था अंदर से 3, 6 ताले तोड़ करके दुकान से चौनप्रास, GRD पाउडर, कुछ टॉनिक और कपड़े की दुकान से लगभग 35,000 का कपड़ा और नगदी 30,000 से 35,000 तक चोर उठा लगे। बल्कि हमारी दुकान बांसी टॉर रोड के निवेहमा मार्ग पर है और चौराहे पर एक यादव हार्डवेयर की दुकान से भी लगभग ताला तोड़ करके 6,000 उठा ले गए। हम इसकी सूचना पुलिस को सुबह दिए हैं। पुलिस वहाँ के SO महोदय आए थे, 2 बार पुलिस आई थी, हम लोग लिखित तहरीर दे दिए हैं दोनों लोग, यादव जी हम और पुलिस।